Entertainment, the Indian Idol, Venars, Pawandeep, Arunita, Saidi en Danish naar Suriname hebben gebracht, hebben vandaag een persconferentie belegd waarbij de vier topartiesten uit India niet alleen zijn ingegaan op de show welke vrijdagavond wordt gehouden in de André Kamperveen Stadion, maar ze zijn ook nog ingegaan op alle andere zaken op vragen van de pers uit Suriname. Wij voeren u naar de persconferentie, welke werd gehouden in het Marriott Hotel. तो वो प्रश्न है आप सभी से कि वो जानने को चाहते हैं इंडियन आइडल के बाद आपकी जर्नी कैसे है, कैसे बीते हैं, उसके बारे में वो जानने को चाहते हैं। हमारी जो पूरी लाइफ है वो मैं हिंदी में बोलूं चलेगा? चलेगा। इंडियन आइडल इज जस्ट लाइक अ माइलस्टोन फॉर अस। पूरी लाइफ ही हमारी बदल गई है इंडियन आइडल के बाद। जहाँ जाते हैं लोग इतना प्यार देते हैं सबको कि हमारे पास शब्द नहीं है। अभी सूरीनाम में हम आए एंड इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, यहाँ पर लोगों का प्यार देखकर एक इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। हर जगह जहाँ पर जाते हैं लोग इतना प्यार करते हैं, और मतलब मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जिसमें मैं अपनी फीलिंग बता सकता हूँ। पूरी जो ज़िंदगी है वो चेंज हो गई है। जो हमने ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, वो आज पूरे होते नज़र आ रहे हैं। लोग, ये सबका सपना था हमारा कि जब इंडियन आइडल में आने से पहले कि लोग हमें जाने, हमारे गाने सुने, और आज लोगों तक हमारे जो गाने हैं, हमारी आवाज़ है, वो इंडियन आइडल ने पहुँचाई है। तो ये बहुत बड़ा ऊपर वाले का करम है एंड वी फील ब्लेस्ड। Okay. Hey, Sekhrat, hey, na Indian Idol, zich trotsvoelt. Hij heeft eigenlijk alle wensen die hij eigenlijk had, om alle dromen die hij had, om een grote artiest te worden, die zijn allemaal nu in vervulling gegaan. Ze zijn trots en het groeit, ze worden groter en voor dat zijn ze heel erg dankbaar. Het is heel erg leuk om aan jullie allen te samen performen. Ik heb deze kans gekregen. कोशिश करेंगे उसको बहुत अच्छे से निभाएं। और जर्नी की बात करें तो हम बहुत लाइफ चेंज हो चुकी है, पूरी लाइफ चेंज। ये कहूँगा कि गांव में थे तो बोलते थे कि शोज़ करते थे वहाँ पे, अभी यहाँ पे कर रहे हैं तो साउंड अच्छा मिलता है, व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, और तो साफ साउंड में गाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत यही कहूँगा कि म्यूज़िक को करने का, और वो जो क्या कहेंगे उसको, म्यूज़िक करने की जो चाह थी वो और बढ़ गई है, क्योंकि आगे आगे जितना ज़्यादा आगे हम लोग ऐसे म्यूज़िक कर रहे हैं तो उसमें उतनी ज़्यादा वो आगे उतना साफ़ होता जा रहा है, और हमारा म्यूज़िक मतलब प्रैक्टिस कम होते जा रही है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होते रहेगी आगे भी तो हमारे लिए ठीक रहेगा। थैंक यू। Daar had hij niet zo'n goede geluid en zo'n installatie om te kunnen zingen. Maar hier in Indian Idol en nu in de grote shows, dan heeft hij goede equipment, goede geluidinstallatie en zo kan hij zijn talent meer naar voren brengen. Thank you. Anurita. Namaste sabko. Life to pura change hi ho gaya hai, kyunki Indian Idol ke baad kabhi humne socha hi nahi tha ki hum itni jagah ghoomenge, aur जैसे कि अभी हम लोग टूर कर रहे हैं, प्लीज आज सूरीनाम में आए हैं और आप सबके सामने गाने का एक मौका है हम सबको, तो इस बात का बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। सब लोग सपना देखते हैं यहाँ सब जगह टूर करने के लिए, और हम वो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है उस बात की। बस यही है कि अच्छे से गाना गाना है और अच्छे से करना है। थैंक यू। Naar ze niet allemaal geweest is, naar welke landen, daar zijn ze nou allemaal aan het toeren. En dat vindt ze heel leuk. Vandaag is ze in Suriname. En zo gaan ze nog naar andere landen om hun shows te doen. Sabko namaste. Aur jaise sir ne pucha, actually Indian Idol ke baad life bahut zyada change ho gayi hai. Kyunki बहुत सारे शोज़ करने का मौका मिलता है, और आप सब लोगों के सामने एक्चुअली इतना अलग अलग कल्चर होता है हर जगह पे। हम लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे अभी कल ही हम लोग यूएस से आज सूरीनाम में आए, फिर वापस कल और एक जगह पे जाना है, तो यू नो इतना सारा कल्चर एक्सप्लोर करने मिलता है। बहुत लोगों के सामने गाना गाने का, परफॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है हमेशा। इतना अच्छा वेन्यू होता है हमेशा, लाइट्स, साउंड्स एंड एवरीथिंग जो एकदम अच्छा होता है, और
लोग बहुत प्यार करते हैं, मतलब जो प्यार है उसका मैं हिसाब नहीं लगा सकती कि लोग इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट करते हैं सबसे, हम सबसे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस यही प्यार और जो म्यूज़िक की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं आगे आगे, वही मिला है आइडल के बाद। सुरीनाम से यहाँ पर आने से पहले आपको सुरीनाम के बारे में पता था? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, कोई बहुत सुना है सुरीनाम के बारे में हम सब ने, एंड यहाँ पे जब हमें पता चला कि हमारा शो हो रहा है तो हम चारों बहुत खुश हो गए। एंड मैं तो पहले से ही जानता था सुरीनाम को, सब लोग ये बहुत सुना था जी, पोस्टर देखा यहाँ का सुरीनाम का, तो एक मतलब अच्छा लगा कि यार यहाँ इस देश में भी हमें जाने का मौका मिल रहा है, तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा है कि विदेश भी जाएंगे हम? इंडिया से मुझे पता लगता था मैं दिल्ली से बाहर ही जा पाऊंगा, लेकिन अभी सुरीनाम में बैठे हैं तो अच्छा लग रहा है। Ja, hij wist wel van Suriname. Hij had al opgezocht in de wereldkaart waar Suriname precies ligt. Dus hij had wat veel informatie al gezocht voordat hij naar Suriname afreisde. Over Suriname waren we toen aan het kijken. Hier Dutch kolonie, Nederlandse. We zijn in 1975 met een maand uit de deze. यहाँ पे बहुत प्रांत के लोग रहते हैं, इंडियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मिनरल्स होते हैं यानी ठीक है। यही कहना चाहूँगा कि और भी चीज़ें बहुत खूबसूरत जगह है, और कभी ऐसा नाम सुना नहीं था, पहली बार नाम सुना, फिर उसके बारे में कुछ जानकारी ली तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और जब हम लोग एयरपोर्ट से आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में टनकपुर से खटीमा जाते हुए रोड सेम वैसा ही, तो मैंने कहा तो मैं घर में आ गया, अमेरिका किधर है, तो घर जैसा लग रहा। थैंक यू सो मच। Hij zegt voordat ik kwam is hij wat onderzoek gaan doen. Hij wist dat we kolonie waren van Nederland en dat we onafhankelijkheid gehad in 1975. Hij kwam eraan en hij zag een paar wegen, dus hij voelde zich helemaal thuis. Hij zag een paar gaten en dat deed hem goed. Hij voelde zich een beetje anders dan in Amerika. Hij voelde zich helemaal thuis hier. Thank you. Hi everyone, I'm Trishmani Thomas from Suriname. Question, what can the Surinamese people expect tomorrow when it comes to the items you will be singing? Will you also be singing the famous song you are known from Indian Idol? तो प्रश्न है वो समझ गए? We understood that. They all understood that. They all understood that. Go for it. इसमें हम चारों लोग परफॉर्म करने वाले हैं शो में, और हम लोगों ने इस हिसाब से गाने रखे हैं कि हर गाना सबको पता हो। दानिश दा जो गाएंगे वो कमाल का ही होगा एकदम, और सारे हिट गाने और जो हमने इंडिया में परफॉर्म किए हैं वो सारे सॉन्ग्स पुराने नए सारा मैच है। आपको इसमें बहुत सारे मतलब लगभग 65 से लेके आज तक के सारे गाने मिलेंगे, मतलब पुराने से लेके नए तक। तो यही कोशिश करेंगे कि इस परफॉर्मेंस को कैसे गोल करके बहुत अच्छे से हमें निभाएं। और परफॉर्मेंस तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर चीज़ देखने को आपको मिलेगा, थोड़ा रॉक भी मिलेगा, सूफी मिलेगा। एंड हमें दर्शन जी ने एयरपोर्ट पर बताया जब हम यहाँ पर आ रहे थे कि सुहानी रात ढल चुकी जो है वो यहाँ पर एक एंथम जैसा है, तो वो भी हम सब लोगों ने तैयार किया है, तो बहुत मज़ा आने वाला है कल कॉन्सर्ट में। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। दिस ze hebben een hele package in elkaar gezet van rock music, oude nummers, van alles. Nummers vanaf 1965 gaan ze allemaal voor u in een medley voor u ter gehoor brengen. En een van de populairste nummers is Sohani Raat. En hij zegt dat het hier verschrikkelijk bekend is. Dus dat gaan ze ook morgen voor u presenteren. Overal, het wordt een hele mooie, fantastische show wat ze hier aangeven. जैसे हम चारों को आपने इंडियन आइडल में तो देखा हुआ है, पर हम चारों का जो जॉनरा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अरु जब गाती है तो एकदम लता जी के गाने एकदम, मतलब वो कुछ भी गा सकती है ऐसे, और पवनदा जब गाते हैं अरिजीत सिंह के और ये सब गाने, और दानिश अपना सूफी गाता है और सूफी और सब कुछ गाता है दानिश भी तो ऑफकोर्स नहीं, सभी लोग सभी प्रकार के गाने गाते हैं। तो यही आपको यही है कि एक वर्सेटैलिटी देखने मिलेगी शो में, मतलब सभी प्रकार के गाने सुनने मिलेंगे, तो ये डेफिनेटली होने वाला है। Ja, dus net zoals ze gezegd heeft,
Ze gaan verschillende soorten nummers tegen horen brengen, wat je van elk één heeft zijn eigen stijl. Dus verschillende songs kan je morgen verwachten. En natuurlijk ook hun eigen nummers die ze met Himesh Rishim mee gedaan hebben, die zullen ze dan ook presenteren morgen. De keuze was eigenlijk een beetje moeilijk. Natuurlijk, het is geen kleine show zoals we het allemaal ook merken. Het zijn natuurlijk sterren, de Indian Idols, met de runner-ups natuurlijk. U heeft het ook gehoord, het zijn ook natuurlijk artiesten met kwaliteit en ook muzikanten met kwaliteit. En dat kost nogal wat. Dus we hebben, als wij dat commercieel zouden moeten bekijken, zouden we meteen gezegd hebben nee. Maar kijk, het is ook natuurlijk 2 jaar lang COVID geweest. Er is lang geen evenement in Suriname geweest in dit kaliber of van dit kaliber. Hebben wij toch met mijn partner Rabin Agaibersee, met Michael en wat vrienden, toch besloten van hé, we gaan het doen, we gaan iets doen voor de gemeenschap. Dat we toch al het negatieve van de afgelopen 2-3 jaar die we terug hebben gehad, dat we toch wat voor de samenleving kunnen doen waarvan we hier al een start mee maken. We hebben in juni hebben wij iets kleins gehad met Raymond Ramnarayan. We zagen daar ook dat het publiek echt entertainment en vertier nodig heeft. Vandaar die keuze, we doen het samen. We hebben daarom gekozen. Het was een tough job, also in discussing with Darshan. But we did our best and we made a combination. If we didn't have a tour with the US with Darshan, then it would be impossible to get a concert like this here. So, we hebben het hier, we have them here. So laten we dan morgen, vrijdag, daar iets moois van maken. Een boodschap voor elke jonge Surinamer met een droom. Je जानने को चाहते हैं कि संदेश कुछ संदेश आपके पास है सुरीनाम देश में क्योंकि आप लोग काफी वेरी यंग है ना आपको लोग देखते हैं वो सपना देखते हैं कि मैं भी अच्छा गाऊं तो कोई संदेश है यहां की नौजवानों के लिए कि क्या कर सकते हो सर संदेश तो क्या ही दे सकते हैं हम लोग बट मैं ये कहूंगा कि अगर मैं काम को लेके बात करूं तो किसी भी क्षेत्र में स्पोर्ट्स म्यूजिक पढ़ाई उसमें अपना बेस्ट अपनी प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए प्रैक्टिस छोड़नी नहीं चाहिए चाहे कुछ भी बन जाओ प्रैक्टिस बराबर रहेगी तो आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है कुछ बनना ही नहीं आपको वही रहना है जैसे आप हो आपको बस गाना गाना है मतलब आपको अपना काम करना है पोस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देनी कि मुझे क्या पोस्ट मिल गई है गाने के ऊपर या हे सेक्ट मत स्टूडेरन एंड कैके वेलके डूलर फॉर ओगन स्टैंड मा शो म्यूजिक लीफहेबर बेन दैन ओक दैरोप गान कंसंट्रेटेड मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि अपना जो पैशन है आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो फॉलो करें और बहुत सारा हार्डवर्क करें उसके ऊपर तो आई थिंक सक्सेस आएगी ze zegt je moet je hobby blijven uitoefenen doe datgene wat je leuk vindt en gewoon je doelen blijven bereiken अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है कि वो किसी की ना मेहनत नहीं रखता ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता तो बस हमें मेहनत करती रहनी चाहिए एक एक फील्ड के अंदर बस एक टारगेट हमने देख रखा है कि यार मुझे वो बनना है तो डेली हमें उस पर कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए अपने टारगेट पे तो बस मेहनत करते जाओ ऊपर वाला आपके साथ है वो किसी की मेहनत रखता ही तो सक्सेसफुल आप बन ही जाओगे इंशाअल्लाह और मुझे ऐसा लगता है कि खुद पे विश्वास रखना चाहिए बिकॉज शायद आज आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा हो तो होगा जितना आपने सोचा हो पर अगर आप खुद पे विश्वास रखेंगे भगवान पे विश्वास रखेंगे और अपनी मेहनत करते रहेंगे जो आपको चाहिए वो अचीव करने के लिए तो डेफिनेटली आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए यू मस्ट ट्राई हैव इट योरसेल्फ इट कैन से दैट इट वंडाग ऑफ मॉर्गन नीट uitkomt naar je zin, dan moet je niet blijven opgeven, je moet blijven doorgaan, je best blijven doen en gewoon daarvoor gaan.